हूँ मैं जेड बानू लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास 12th के लिए। मैंने जैसे कि कल चकबस्त की एक गजल पढ़ाई थी, आज दूसरी गजल की तशरीह बताने जा रही हूँ। चलिए देखिए शेर पढ़ती हूँ। नहीं मंजूर जीना रोशनाज चारागर होकर, रहेगा पास गैरत पर्दा जख्म जिगर होकर। यहाँ पे शायर कहते हैं, चकबस्त कहते हैं कि मुझे अपने मालिज का एहसान मंद होकर जीना मंजूर नहीं है, मेरी गैरत मुझे कभी इजाजत नहीं देगी कि मैं अपने जिगर के जख्मों को दूसरों को दिखाऊं। ये वही कैफियत है जिसका इजहार किया है शायर ने। अगला शेर देखिए। कब्ज की आड़ से महरूम है हम आशियां कैसा, पड़े हैं दूर सहन बाग से बेबाल वो पर होकर। यहाँ पे शायर कहता है, चकबस्त कहते हैं कि जख्मी परिंदा कह रहा है कि मैं जख्मी हालत में बाग में पड़ा हुआ हूँ, मेरे पर शकिस्ता हो चुके हैं, ना मैं उड़ सकता हूँ ना अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। आशा की अमा कैसी, मुझे तो कैद खाने की आड़ भी मैसर नहीं है कि वहीं रहकर अपना वक्त गुजार लूं। अगला शेर देखिए। अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा जिंदगी का दर्द सर होकर। यहाँ पे चकबस्त कहते हैं कि जब मैं अदम से दुनिया में आया था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं दुनिया के माया मोह के जाल में इस तरह फंस जाऊंगा कि जिंदगी मेरे लिए अजीरन हो जाएगी। अगला शेर देखिए। मुकद्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा, पयाम आना फना का जलवा नूर सहर होकर। यहाँ पे चकबस्त कहते हैं कि ये अपना अपना नसीब है कि किसी के हिस्से में जाम आए और किसी के हिस्से में प्यास आए, किसी को पैगाम फना मिले और किसी को पैगाम बका नसीब हो। शबनम का मुकद्दर देखिए कि वो मुस्कुराते हुए खिलते हुए फूलों में पैदा होती है, लेकिन जैसे ही सुबह नमूदार होती है तो शबनम फना हो जाती है। अगला शेर देखिए। यही एक रास्ता बाकी था ओज मरातिब का, बने अहल नजर तुम दुश्मन अहल हुनर होकर। चकबस्त कहते हैं कि ऐ सख दुनिया तुझे अपनी तरक्की और आला मरातिब हासिल करने का सिर्फ यही तरीका मिला कि तू हुनरमंद लोगों का दुश्मन बन जाए, हुनरमंदी की बुराइयां करते। मुराद ये है कि सुस्ती के शोरत बेचारी झूठी शोरत को हासिल करने के लिए मुल्क व काम को बेच डालते हैं, वतन परस्तों के साथ दगाबाजी करते हैं और वतन के साथ गद्दारी करते हैं। उनको मुखातिब करते हुए शायर कहते हैं, पूछते हैं कि आला मुरातिब हासिल करने का सिर्फ यही रास्ता था कि तुमने कौम मुल्क और वतन दोनों की नेक नामी का सौदा कर लिया। ये हमने आपको ये गजल एक दूसरी गजल पूरी पढ़ा दी, इसे पढ़ेंगे समझेंगे, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक यू।